नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गढ़ी मेलारा थाना पुलिस द्वारा दो कार्रवाई की गई है, जिसमें गोवंश से भरे एक वाहन को जब्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर अवैध शराब पर भी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि गोवंश का परिवहन कर रहे एक वाहन को पकड़ा गया, तो वहीं दूसरी ओर नगर में खुलेआम चल रहे अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए 10 पेटी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले कल्लू प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दूसरा व्यक्ति लाखन सिंह मौके से फरार हो गया। कल वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बैदार में कुछ व्यक्ति जो हैं, एक ट्रक खड़ा है जिसमें अवैध गौवंश जो है वो लदा हुआ है निर्दयतापूर्वक। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रक में 3 गौवंश जो है निर्ममतापूर्वक रखे हुए थे, उनको जब्त किया है। और मौके से जो भी व्यक्ति ये कार्य कर रहे थे वो मौके से फरार हो गए हैं, भाग गए। उनको ढूंढने की भी काफ़ी कोशिश की है, जो अभी तक के मिले नहीं हैं, जिन्हें शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, शीघ्र ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस उसमें लगी है, कार्यशील है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उनके निर्देशन में कल रात को थाना क्षेत्र के लखू राजा एवं कल्लू प्रजापति, जो अपने खेत हार में अवैध रूप से शराब रखे हुए थे, उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। मौके से 10 पेटी शराब लगभग 90 लीटर मात्रा में जब्त किया गया है। एक आरोपी जो है लखू राजा मौके से फरार हो गया, जिसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।